लाल टमाटर हो गए हैं। मम्मी को लगा ये वो जुहू बीच है और गोलगप्पे की रेडी लगी हुई है पीछे। मेरी उम्र और बढ़ गई है, मेरी उम्र 10-15 साल और बढ़ गई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हरमीत सिंह रात को लेट आए, हम सब फंक्शन में गए थे, यहाँ लेट आप हो गए हैं, तो इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बिना पूछे उसके। ठीक है, तो आज मम्मी जो है, हमीद की मम्मी, जो टमाटर पक गए हैं वो अभी काट रही हैं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तो अब देखना वो बस तैयार है। चलो जी, ये देखो लाल टमाटर हो गए हैं, ये तीसरा तीन टमाटर हैं अभी, बाकी लाल होंगे अभी। पुदीना जो है इसमें साथ ही लगा हुआ है। वीडियो आज डैडी ने स्टार्ट करा था, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे और डैडी को फिर पकड़ेंगे जब इवेंट में पहुंच जाएंगे, बिकॉज बहुत अमेजिंग इवेंट होने वाला है। टेस्ट ऑफ इंडिया डाउनटाउन टोरंटो में होता है। खाने पीने का आई होप सब कुछ इंडियन ही मिलेगा और मम्मी पापा को इंडियन मिल जाएगा खाने पीने। एंड टू डेज का है, कल भी है, संडे एंड मंडे। मंडे नॉर्मली हॉलीडे है हमारा यहाँ पे, बट कल बहुत बारिश है, तो अच्छा हमने डिसीजन लिया कि हम आज जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर बहुत लोग मिलने वाले हैं वहाँ पे, सो अगर आप हमें देखो वहाँ पे तो हमें जरूर मिलना। ये वीडियो वैसे दो दिन बाद डलेगा। ये एक्चुअल मतलब कनाडा बोल सकते हैं इसको, डाउनटाउन टोरंटो पहली बार आया मम्मी पापा। हाँ। तो हमने पार्किंग तो कर दी है, तो पानी के पास क्यों ना चले जाएं, एक बार दिखाते हैं लेक शोर। हाँ, है हाँ, हाँ, इवेंट पे जाने से पहले थोड़े से यहाँ पे फोटो शूट करवा लेते हैं। ठीक है। और डैडी को ना स्ट्रीट कार्ड से बड़ा प्यारा, ट्रैम से, है ना, हर जगह जहाँ भी दिखती है फोटो खींचने लग जाते हैं। ये दूसरी तरह की है, ये दूसरी है डाउनटाउन की ना, ये किचनर से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पे बिली बिशप एयरपोर्ट है, पापा को मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पास से फ्लाइट लैंड होती है। अच्छा, टोरंटो आइलैंड के बिल्कुल पास। वाह, अभी देखो ये बहुत पास लगेगा आपको। जाना है फ्लाइट में, ये वाले प्लेन में जाएंगे, इंडिया जाएंगे तब जाएंगे। इंडिया नहीं, यहाँ पे जा सकते हैं हम। अच्छा, आप हाँ बोलो, ये पूरा ऊपर से टोरंटो घुमाएगा। अच्छा, जाना है? हाँ, चले जाएंगे। डैडी बना कर रहे हैं, अमृतसर थोड़ी जाएगा यहाँ से, ये टोरंटो घुमाएगा आपको या फिर नायगरा घुमाएगा। आ जाओ, आप भी आ जाओ पिक्चर में। तो पीछे जो खड़ी है ना ये फेरी, ये आइलैंड पे जाती है, टोरंटो आइलैंड पीछे जो दिख रहा है आपको। हाँ। वो आइलैंड है पूरा। अच्छा, तो कभी वहाँ पे जाएंगे पिकनिक करने, बट यहाँ पे यही एक्टिविटीज होती हैं, बोट्स होती हैं, बोट्स पे जाओ, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होती हैं, या यहाँ पे घूमो। ये जा रही हो पीछे, बोट बैठ जाओगे बोट पे? तैरना नहीं आता। नहीं, वो डुबाएगी नहीं। भाई साहब, टेस्ट ऑफ इंडिया इवेंट में पहुंचे भी नहीं हम अपने, यहाँ पे धूप में इतना थक गए, पापा मम्मी रेस्ट करने लग गए और हमने थोड़ा सा फोटो शूट कर लिया, बट मम्मी कह रही है मुझे चाय पिलाओ। अपने मॉर्टन्स में हमें पता चल गया चाय कैसे बनवाते हैं, और थोड़ा हमें भी रेस्ट चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा धूप है। बहुत ज्यादा धूप है, तो हमारे फ्रेंड्स गए, हाँ। बहुत ज्यादा लाइन अप है हर जगह, तो अभी गर्मी में जाने का फायदा नहीं है, थोड़ा रेस्ट करके थोड़ी एनर्जी गेन करके फिर जाएंगे दोबारा। यहाँ पे हम 2-3 बजे पहुंचे थे, टेस्ट ऑफ इंडिया जो इवेंट में जाना था वहाँ तो गए नहीं, और यहाँ पे लेक शोर घुमा दिया पापा मम्मी को, तो वो भी अच्छा हो गया। बट हमने फ्रेंड से जो वहाँ पे आए थे जिनसे मिल नहीं पाए, उन्होंने बताया कि लाइनअप बहुत लंबा लंबा है, बहुत भीड़ है, तो अच्छा हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत खा लिया, अगर वहाँ पे नहीं भी मिला तो डिनर अच्छी जगह पे जाके कर लेंगे, बिकॉज लाइनअप में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे इवेंट, और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो मम्मी पापा वहाँ भी नहीं बैठ पाएंगे। धूप बहुत ज्यादा थी, अब थोड़ी धूप कम हो गई है, 6:15 हो चुके हैं, और सबसे मुश्किल जो होता है ना पार्किंग, अब यहाँ पे हमने पार्किंग करी थी, इवेंट के वहां पे जाके पार्किंग करनी है। सो डाउनटाउन में जब भी आओ पहले देख लो कि कहां पे पार्किंग आपको करनी है, कहां पे अवेलेबल है, कहां पे कर सकते हो अपने डेस्टिनेशन के पास में, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमने उनसे ये भी पूछ लिया कि पार्किंग उन्होंने कहां पे करी थी, तो इवेंट जहां पर हो रहा है नेथन फिलिप्स के आसपास वहां पे पार्किंग है, सो होपफुली वहां पे पार्किंग मिल जाएगी। और यहां से हम स्ट्रीट कार इसलिए करके नहीं जा रहे बिकॉज यहां पे पार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, फिर स्ट्रीट कार में जाएंगे और पापा मम्मी को फिर हैसल होगा, सो गाड़ी में जाते हैं, स्ट्रीट कार में उतना थोड़ा हैसल हो जाएगा।
डैडी तो भाई स्ट्रीट कार की बस बनाई जा रहे हैं वीडियो। देखो ऐसे ही आपको बहुत लोग मिलेंगे लेकिन सब आपसे पता है, जैसे हम कल देख के आए थे वहाँ पे कैनेडियन थे इतने सारे, आज यहाँ पे सारे इंडियन होंगे तो आपसे सारे पिज्जा मांगेंगे कि आपने बोला था पिज्जा खिलाओ, दाल और पिज्जा, तो फिर क्या बोलोगे उनको, खिलाएंगे कैसे खिलाओगे? है नहीं हमारे पास, हमारे पास एक पेप्सी और एक कोकोनट वाटर है। अच्छा यहाँ से लेके लाइन में खड़े होने की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम खड़े कर देंगे ना, उनको बोलेंगे दो लो एक हमें भी दे देना। That's good, how are you? Namaste, thank you. Namaste. यहाँ पे मम्मी को बोल रहा हूँ कि ट्विस्टेड पोटैटो मिल रहा है, बट दो घंटे खड़ा होना पड़ेगा लाइन में। बहुत अच्छा लगा, मैं बोली भी नहीं। आई एम दुबई, दे वांट टू से हाय। सारी जगह भीड़ है, जिस जगह भीड़ थी हम वही खाना खाएंगे क्योंकि हमें लाइन में नहीं खड़ा होना। अब अच्छी हो, स्वाद हो, खराब हो, खा लेंगे क्योंकि ये बिना लाइन के मिल रही है। हाँ जी बताइए कैसी है? बहुत टेस्टी है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। आपने खुद बनाई है? यस सर, यूट्यूब में डालना है। लेकिन कंपनी का नाम नहीं है, वेबसाइट अभी रजिस्टर हुई नहीं है, रूम में एक्सट्रीम ट्राई कर रहे हैं कि अगर चल रहा सारा हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर आप हमें कॉन्टैक्ट ईमेल कर लेना, फिर हम प्रमोट कर देंगे। हाँ जी ये तो बढ़िया है, बट इतने लोग मिले आपसे कैसा लगा? शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत ज्यादा जो आके मिलके गए। मेरी उम्र और बढ़ गई है, मेरी उम्र 10-15 साल और बढ़ गई। बट जैसे हमने आज दो दिन से वीडियो नहीं डाला तो वो कह रहे क्यों नहीं डाला, डेली डालो, तुम्हारा काम है ना। मेरी वो गलती है, एडिटिंग थोड़ी लेट हो गई, बट अब डेली डालेंगे। मैं तो डाल नहीं सकता। बट सीरियसली जो मिलने आए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके और अच्छा लगता है कि हाँ इतने लोग वीडियो देख रहे हैं। अब जब टोरंटो आए हैं दोबारा तो नहीं आएंगे ना, दोनों लड़कियां थक गई हैं, बट इनको थोड़ा सा एनर्जी देके खाना पीना खिला के बीच पे लेके चलते हैं क्योंकि टोरंटो आए और बीच पे फिर दोबारा नहीं आएंगे ड्राइव करके। पास में ही है वुडबाइन बीच, बहुत यहाँ पे पॉपुलर है, वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाए, यहाँ पे बहुत भीड़ है, खा पी भी नहीं पाए, वहाँ से आराम बैठ के खाएंगे, क्या पता पापा वहाँ पे पतंग भी उड़ा ले। एक होता है ना पंजाब में रौला रप्पा, पड़ा है रौला रप्पा, बहुत वहाँ थोड़ा रिलैक्स करते हैं। कुछ ट्रेजेडी हो सकती है, हुई नहीं है अभी, हो सकती 50% चांस लग रहे हैं। बताएगी मनप्रीत क्या हो सकता है अभी हमारे साथ? पे हमने पार्किंग करी है, वो अंडरग्राउंड पार्किंग है फोर सीजन्स होटल की, एंड वहाँ पे लिखा हुआ कि आपको एंटर करने के लिए अपनी टिकट इंसर्ट करनी पड़ेगी, जो हमारी गाड़ी में है क्योंकि गाड़ी की डैशबोर्ड में सब रहते हैं। मैंने हरमीत से कहा था कि ले चलो, नहीं 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 नहीं, अगर आज हमें गाड़ी नहीं मिली तो यू नो होम टू ब्लेम। तो फिर अगर नहीं मिली मैं एक चीज बताऊंगा, फिर वो 100% श्योर हो जाएगी, फिर मैं बताऊंगा। क्या बताऊं? बताऊंगा जब अगर गाड़ी में हम प्रॉब्लम आई तो, फिर अगर नहीं एंटर कर पाए तो। थैंक गॉड बच गए, लेकिन मम्मी नहीं बची क्योंकि मम्मी को लिफ्ट में जाना पड़ेगा और मम्मी लिफ्ट में डरती। दबा दो बटन, तो दबा दो, दबा दिया। मम्मी को तसल्ली दो, डर रहे हैं? नहीं डर रहे, गला सूख गया, भागो भागो भागो, जाना है ना। देखो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो मैं बात बताने वाला था फिर भी मैं वो बता देता हूँ। बात वो ये है कि अपनी बीवी की बात हमेशा मानो। तुम्हें लग भी रहा ना क्या पागल वाली बात कर रही है बेटा, जब जब मैंने नहीं बात मानी ना मेरा कांड हुआ है। अब एक और हुआ एक्चुअली, पेमेंट करनी थी पहले। हाँ मतलब यार बीवी की बात हमेशा मानो, पता नहीं क्या इंट्यूशन होती है, सिक्स सेंस होता है। बताना चाहेंगे आप कितनी देर लगा के पार्किंग मिली है? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट मम्मी बताएंगे, आधा पौना घंटा हो गया हमें खड़े हुए, आधे घंटे पार्किंग मिली है, तो आराम से बैठ के जाएंगे, एंजॉय करके जाएंगे। पीछे जो दुकान लगी है उसको देख के क्या लगा आपको? गोलगप्पे वाली रेडी है मम्मी को लगा, ये वो जुहू बीच है और गोलगप्पे की रेडी लगी हुई है पीछे। यहाँ पे भी आपके फैन मिल रहे हैं, बन गए, क्या बात है। ये देखो पापा कह रहे हैं मैं दो गन लेके जा रहा हूँ और मैं ये पापा का थैला लेके जा रहा हूँ। सही बात है, गन नहीं, गन लेने जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं फाइट करने जा रहा हूँ कहीं पे बॉर्डर पे। बॉर्डर पे ऐसे चलते हैं,
लगाए डेरा यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। क्या बात है क्या बात है, चेयर मिल गई। और कुछ मांग लिया होता किसके लिए? जिगरा चाहिए ये अंदर पानी में जाने के लिए जिगरा चाहिए। गिरे लाइफ जैकेट पहनी है उन्होंने। अच्छा, और पलटती थोड़ी है वाली? हाँ, ये वाली पलटती नहीं है, वो वाली पलट सकती है जेट्स की जो है। वो कौन सी है? छोटी है ना। बट बीच के अंदर हम जाएंगे। हाँ, कभी और अच्छे वाले बीच वाले कपड़े पहन के आएंगे ना। हाँ, हाँ। तो फिर जाएंगे बीच। हाँ, पानी में जाएंगे। अभी एक धोखा हो गया, बताना चाहोगे क्या धोखा हुआ है? हाँ, तो हम सब ने अभी अपने शेड्स लगाए हुए थे। हम कह रहे हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है सामने, गोल्डन आर हो रहा है, पिंक एंड ब्लू इतना ज्यादा प्रोमिनेंट एविडेंट लग रहा था। हाँ, बट जब हमने उतारे अपने शेड्स तब हमें रियलिटी चेक हुआ, मतलब फिल्टर लगा, फिल्टर एक्चुअली है बट इतना ज्यादा नहीं है जितना वो लग रहा था। मैं दिखाता हूँ, एक्चुअली में पता चलेगा डिफरेंस। अभी एक नेक्स्ट शॉट देखो। चिड़िया को दाना डाल रहे हो? डालना नहीं है। आपको 2 महीने में, इनको भी 2 महीने। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो पहले बताओ? एक दो दाने डाल रहा हूँ उसको। किसको? हमने तो खा लिया, वो ये पक्षी है। सीगल सीगल। हाँ, सीगल सीगल। हाँ, अगर नहीं खाए, नहीं खाया फिर खाएंगे, खाएंगे। पापा के इतने फैंस मिलते आ रहे हैं, हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हमें कोई नहीं मिलता, पापा को मिलते आगे सारे। बट अच्छी बात है। और पापा ने शूज उतार लिए कि मैं बीच पे जाऊंगा, पानी में जाऊंगा। शूज उतार लिए पानी में जाने के लिए आपने? हाँ, तो ठंडा ना पानी। जाओ जाओ, ये आ जाओ आ जाओ, बस ठंड लग जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम वो करना है, पीछे देख रहे हो लाइट वाली। हाँ, हाँ। लाइट जल रही है, उसमें म्यूजिक भी चलता है। हाँ। अपने फोन से कनेक्ट कर लिया, म्यूजिक चला लो और लाइट जल रही है। ओ, हो, और रात को उसमें पानी में अगर डूबे रात को। हाँ। तो डूबे नहीं, नहीं। डूबे। रात को मैंने करनी नहीं। नहीं, लाइफ जैकेट पहन के। हाँ। करेंगे रात को। मम्मी से पूछ लो, मम्मी करोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, ना मैं करूंगी ना करने दूंगी इनको। मम्मी कह रहे तो करने नहीं देंगी, जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा आपको। जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा आपको। मम्मी कह रही है जल देवता का मत्था टेकना होता है, मत्था टेक। मैं मम्मी से पूछूंगा और क्या क्या करना होता है जल देवता में, सो दैट जो लोग आए फिर वो कर दे बीच पे। हमें पता है, किसी और का नहीं हमें पता। सो 9 बज चुके हैं और सबको भूख लगी है, बिकॉज लंच भी हमने ऐसे ऊट पटांग खाया सब कुछ। वुडबाइन बीच आए हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जिराट स्ट्रीट, जहाँ हम कभी नहीं गए, बहुत हमारा प्लान है जाने का वहाँ। और क्योंकि हमने डिटेल वीडियो बनाना है जिराट स्ट्रीट का, वहाँ पे जाओ और डिटेल वीडियो न बनाओ तो मजा नहीं है। छोले भटूरे सुना है कि वहाँ पे सबसे बेस्ट मिलते हैं, ट्राई कर लेंगे आज, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो शूट जब करने आएंगे तो उसका प्लानिंग कर लेंगे और खाना भी इंजॉय कर लेंगे। मम्मी पापा को इंडियन ही खिलाना है। प्लस ये भी कि अभी जहाँ भी जाएंगे सब बंद हो जाएगा जब तक हम पहुंचेंगे, तो इसी में तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं जिराट स्ट्रीट का, एक ट्रेलर ले लेते हैं, पूरा डिटेल, पूरा डिटेल, पूरी अच्छे से डिटेल वाला वीडियो बाद में बनाएंगे। और भूख भी लगी है। सो करण मिले यार, मतलब इन्होंने बहुत मैसेज करे थे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, सॉरी बट रिलेटेड हैप्पी बर्थडे, क्योंकि इनका बर्थडे था वो हमसे मिस हो गया थोड़े दिन पहले ही था, बट एटलीस्ट विश कर पाएंगे। और पापा के बहुत बड़े फैन है ये। ओ, बिल्कुल, तो आप गले मिलके विश कर दो एक बार। आज मैं अपनी मॉम से भी पता ये बोल रहा था कि मैं अपनी मीटअप होने वाली है अगस्त सितंबर में, सो आई एम गोना मीट द होल फैमिली एंड एवरीवन, मेरी मॉम डैड इंडिया सब देखते हैं वीडियोस। अब आप आपको वीडियो में देख लेंगे। अपने चैनल का नाम बताओ अंकल। मेरा चैनल का नाम टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है, और मेरी फोटो ही आएगी उस पे, ठीक है। और मोती महल जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट है वो उसमें लाइन लगी हुई है, जो मिले थे करण वगैरह उन्होंने बताया 1.5 घंटे की वेटिंग है, तो यहाँ आएंगे सुबह सुबह कभी वीकेंड पे। कितने टाइम वास्ते आए? बहुत वेटिंग है हर जगह और बहुत लोग भी मिल रहे हैं, तो हम अपनी डेस्टिनेशन भी पहुंच ही नहीं पा रहे। नहीं, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आकृति से मिले हैं, मतलब फर्स्ट टाइम, बहुत बार इंस्टाग्राम में बात हुई है, सारे फॉलो करते हैं। उसके साथ एक डांस का कोलैबोरेशन वीडियो जल्दी आएगा, लोगों को पता नहीं है बट मैं बहुत अच्छा भंगड़ा भी करता हूं, तो वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा।
हम तो ऑनेस्ट रिव्यू देंगे तो हमें गालियाँ पड़ेगी, डैडी बताएंगे। ऑनेस्ट रिव्यू कैसा लगा आपको खाना? दो जगह खाया हमने, ये कौन सा है? ये लीला है, लीला के लीला, लीला की लीला की लीला न्यारी। हाँ, और इससे पहले खाया था हमने देसी बर्गर पे, बेकार बद्दा, बोलने की दिमाग ही नहीं उसको। हाँ, मैं सुन रहा था। हाँ, मनप्रीत जी, हाँ, थोड़ा सा जो है ओनर वो रूड थे, मतलब खाली हमसे नहीं सबसे रूडली बात कर रहे थे, अगर नहीं संभाल पा रहे तो। किसके? जो देसी बर्गर है, आई डोंट नो, एंड खाना भी कोई इतना खास नहीं था, मतलब नॉट वर्थ गोइंग देयर, बट लीला लीला है ना, लीला इज गुड, लीला इज गुड एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस रात को आया जल्दीबाजी में, ठीक ठीक, बट अगेन लाइक इट्स नॉट एज गुड एज लाइक जो ओवर हाइप्ड है। ब्रैम्पटन वाला स्वाद, और वो उसकी कुर्सियां भी टूटी हुई थी, वो पीछे बर्गर देसी बर्गर, देसी बर्गर नहीं, एक्चुअली सबसे ज्यादा बुरा खाना, चलो जैसा भी था, मतलब रूड बिहेवियर वाज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब भाई मैं और ऐसे करने लगा, मैं नहीं पीछे करने लगा बट हां, जो जिसके लिए सब आते हैं मोती महल, वो हम ट्राई नहीं कर पाए, वो हम मॉर्निंग में आएंगे। हमने देख लिया, ग्लास ले लिया है कि छोले भटूरे कैसे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, सो ये मोटिवेशन है, नेक्स्ट टाइम पूरा सुबह आएंगे। अब थोड़ी रात की वॉक और मे बी पान ट्राई करेंगे, पान गन्ने का जूस एंड जो भुट्टा है वो मिलता है, बट अब बिल्कुल जगह नहीं पेट में, वो किसी और दिन ट्राई करेंगे। मनप्रीत जी को शांत करेंगे हम पान खिला के, इंडिया पान लिखा हुआ है एक जगह पे, आई होप कि इंडिया वाला मीठा पान, क्या हमें यहाँ पे फ्रोजन पान मिलेगा? मीठा पान, अब आज के व्लॉग का एंड हम कर रहे हैं पान से और चाय से, और टेस्ट ऑफ इंडिया इवेंट का टेस्ट अच्छा नहीं रहा, तो हम एक्चुअल बताएंगे जो अच्छा हमें जैसा लगा है ना, मतलब भीड़ भड़क का बहुत था, मिसमैनेजमेंट था, आकृति मिली थी वो भी कह रही थी थोड़ा सा है, बिकॉज इस चैनल पे हम ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, हमारा गलत ओपिनियन सुन के आप किसी गलत रेस्टोरेंट या किसी गलत इवेंट पे चले जाओ वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? वही है हमारा, सब्सक्राइब लाइक करना, कॉमेंट करना, और एंड में सत श्री अकाल करना, राम राम करना, बाय बाय, हरिओम, खुदा हाफिज़।